नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएलसी ग्रुप डी लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में यहां पर देख पा रहे होंगे, खुशखबरी, एक और आरएलसी जोन से जारी हुआ सेकेंड डिवीजन लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एक आरआरसी जोन से अभी सेकेंड डिवीजन लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें सैकड़ों छात्रों का यहाँ पे भाग बदल चुका है, यानी उनकी नौकरी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप सेकेंड डिवी की वेट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है आप ही का जोन से डिवी लिस्ट जारी किया गया हो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी नोटिस पब्लिश किया गया है 12/6/2023 के डेट में। और दोस्तों, ये जो नोटिस आया है आरआरसी गुवाहाटी से, नोटिस टू कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड डिवी लिस्ट इन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे सीएन नंबर 01/2019 लेवल 1 पोस्ट। तो दोस्तों, देख सकते हैं लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पे सेकंड डिवी लिस्ट जारी किया गया है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सीबीटी कंडक्ट बाय आरआरबी एंड फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट कंडक्ट बाय रेलवे रिक्वायरमेंट सेल गुवाहाटी। और दोस्तों, यहाँ पे कब कब क्या हुआ है पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिवी ऑफ 110 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर नेम इन दिस अटैच विथ नोटिस। तो दोस्तों, इस नोटिस के साथ में 110 अभ्यर्थियों का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, एड्रेस भी मेंशन किया गया है, आरआरसी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे स्टेशन रोड पन बाजार नियर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी आसाम। और यहाँ पे पिन कोड दे दिया गया है। वही दोस्तों, सेकेंड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक ऑफ डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड फॉर डीवी विल बी मेड अवेलेबल ऑन आरआरसी वेबसाइट इन 3-4 डे। तो दोस्तों, आप लोग का एडमिट कार्ड 3 से 8 दिन के अंदर में लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, थर्ड नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड नोट दैट नो अबसेंट डीवी विल बी हेल्ड एंड देयरफॉर एडवाइज टू रिपोर्ट विदाउट फेल टू द वेन्यू ऑफ डीवी एज पर टाइम मेंशन अगेंस्ट देयर रोल नंबर इन लिस्ट इन गिवन बिलो। तो दोस्तों, यहां पे आप लोगों को अबसेंट नहीं होना है, जिन अभ्यर्थियों का यहां पे नाम है उनको उस डेट में पहुंचना ही है। अगर आप अबसेंट होते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। और यहां पे देख सकते हैं, फोन नंबर पर मेंशन भी किया गया है, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट हु रिमेन अबसेंट ऑन द शेड्यूल ऑफ डीवी विल बी कैंसल विदाउट फर्दर नोटिस नो फर्दर कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरनेट। वही दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिमेन अबसेंट इन मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डीवी विल आल्सो कैंसल विदाउट फर्दर नोटिस। तो दोस्तों, अगर आप डीवी कंडक्ट करा लेते हैं और मेडिकल में अगर शामिल नहीं होते हैं, फिर भी आप लोग का यहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, छह नंबर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 से 6 दिनों समय लग सकता है, इसलिए आप लोग अपना व्यवस्था करके आएँ। और दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। वही दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट दे दिया गया है, द कैंडिडेट ब्रिंग द लोअर हाफ पोर्शन कैंडिडेचर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड था जो सीबीटी में और पीईटी में, उसका लोअर पोर्शन मांगा जाएगा, लोअर पोर्शन मांगा जा रहा है। वही दोस्तों, आधार कार्ड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के समय जरूरत पड़ेगा। वही दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ग्लास, अगर आप ग्लास लगाते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे आईएस प्लेट से बना करके पेपर भी ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है, यहाँ पे फाइनली 110 अभ्यर्थियों को यहाँ पे डिवी लिस्ट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थियों के यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे 52 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और रिजर्व कैटेगरी में मात्र 6 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, कुल मिलाकर के 110 अभ्यर्थियों के यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। वही यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नीचे नेम, रोल नंबर, डीवी डेट और डीवी रिपोर्टिंग टाइम भी मेंशन कर दिया गया है। आपको यहाँ पे 23 तारीख को ही लगभग सारे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग समय से जाके डीवी कंडक्ट करा लें, क्योंकि इस बार दोबारा आप लोग का मौका नहीं मिलने जा रहा है। अगर आप डीवी में एबसेंट होते हैं तो फाइनली आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे सेकेंड डीवी लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो चुका है, और जल्द ही अन्य जोनों का भी डीवी लिस्ट आने की संभावना है। दोस्तों, जैसे ही अदर जोन का डीवी अपडेट आता है तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कर लेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट हम उपलब्ध कराते रहते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।